आप सभी का मंगल हो। नमस्कार। शास्त्र भक्ति के बारे में क्या कहते हैं? भक्ति और अनन्य भक्ति, थोड़ा सा अंतर, ज्यादा अंतर नहीं है। लेकिन पहले तो एक सारांश में भक्ति के बारे में ये बताते हैं कि भगवान के स्वरूप के प्रति जो रूप है उसमें हमारा मन बुद्धि चित्त पूरी तरह आसक्त होना, हमारी प्रवृत्ति हमारा मोह उसी में लगे रहना। इसीलिए ईश्वर एक है, उसके रूप अनेक हैं। इस सिद्धांत के हिसाब से आपका जिस रूप में आपका मन लगता है, हमारा जिस रूप में मन लगता है उसमें ही हमारे को मन टिकाए रहना चाहिए। किसी का लड्डू गोपाल में मन लगता है, किसी का हनुमान जी में, राम जी में, श्याम जी में, अयप्पा जी, मीनाक्षी माता, मीनाक्षी देवी, माता कामाक्षी देवी, आपका वैष्णो देवी, जिसका जिसमें हनुमान जी कहते, शिव जी, अनेक रूप, राम, मतलब बहुत सारे रूप जिसमें आपका मन लगे। आपको पूजा पाठ करते समय विभिन्न तरह के स्तोत्र पढ़ना, कवच, चालीसा, सहस्त्र नाम, आरती करना और भी कोई पाठ करना आप ग्रस्त करें, गृहस्थ के लिए सब तरह की छूट है। लेकिन मंत्र जब जो होगा, जो एक हमेशा चलेगा, वो केवल एक ही होना चाहिए, जो आपके पसंदीदा इष्ट देव है। जिस इष्ट देव का भी अर्थ यहाँ पर क्या है, जिस स्वरूप में आपका मन लगे, जो आपके चित्त मन बुद्धि चित्त को भाए, वही आपका इष्ट देव है। लगातार उन्हीं के जप करते रहना, जो भी जप आपको अच्छा लगे। आपको कोई जप नहीं भी सूझता तो भी क्या कहते हैं, आप केवल ओम का ही उच्चारण कर सकते हैं, ओम में सब आ गया। बात भी सही है, ब्रह्म का वाच्य क्या है, ओम है, तो ओम में सब कुछ आ गया। इसके अलावा इस चीज पर भी गौर कर लीजिए, भक्ति के लिए बाकायदा एक चीज बताएगी। वैसे तो वर्णाश्रम जो बांटा जाता है तो उसके अंदर एक 25, 25 से 50, 50 से 75 ऐसे है, तो हकीकत में वही चीज आती है कि 50 से 75 का जो समय है बहुत ही गजब का। तो हमें 50 साल से इस चीज़ का अभ्यास शुरू कर, देखिए अभ्यास शुरू कर देना चाहिए। मैं यहाँ पे थोड़ा अपना मत देना चाहता हूँ कि आप किसी 25 साल के नौजवान को, 30, 35, 40, 45 किसी को भी आप बोलेंगे जी भक्ति में चलो, नहीं चलेगा, बोलना भी नहीं चाहिए। व्यवहारिक तौर पर ये एक प्रकार का कोई बहुत ठोस बात नहीं है, वो संकोच हो सकला, बोले नहीं बोले कोई मतलब नहीं। उसको इतना बोलो आपको अपना पाठ पूजा जब अपना करते चलें, भगवान के प्रति पूरी आस्था रखें, और समय आने पर फिर आपका अपना पोगा, थोड़ा आपको प्रयास करना पड़ेगा। 50 साल की उम्र के बाद, जैसे 50 साल जाता व्यक्ति है, उसके बाद अगर उसके दो, उसके जितने बच्चे हैं वो बच्चे अपने काम पे लग चुके हैं, अच्छे ढंग से सेटल हो चुके हैं, चाहे वो कुछ भी कर रहे हो, व्यापार कर रहे हो, सर्विस कर रहे हो, प्रोफेशन कुछ भी हो, फिर शादी तो जब होगी होगी, लेकिन हमारे को अपनी भक्ति में फिर पूरी तरह अपने को झोंक देना चाहिए। मैं जितनी बात कर रहा हूँ शास्त्रों की बात कर रहा हूँ, फिर उसको झोंक देना, अपने आप को झोंक देना चाहिए। चाहे उनकी सर्विस चल रही है, बिजनेस करें, भगवान श्री कृष्ण यही तो कहते हैं कि आप अपने काम को करते चले, उसमें कोई बाधा नहीं, मेरा स्मरण करते रहे, तो वो समय फिर शुरू होता है विशेष, क्योंकि व्यक्ति के दिल दिमाग में और कोई चीज़ नहीं। हाँ, रही बात यह है कोई मकान किसी का नहीं बनता है, या किसी के बच्चों की अभी तक शादी नहीं, बच्चे सब सेटल्ड हैं, तो कोई बात नहीं। अब ये तो है नहीं कि उसकी उसका वो करते करते हम भक्ति भी ना करें, बीमारी सीमारी समस्या छोटी मोटी चलती, इसका अर्थ ये नहीं कि हम भक्ति करना छोड़ दें। भक्ति का अर्थ क्या है कि हमारा मन और चित्त वहीं पर टिका रहे, भगवान के उसी स्वरूप में, और मानसिक जब चलता रहे, तो वो तो हम कहीं पर भी बैठ के कर सकते हैं। हम चाहे भले ही अस्पताल में हों, चाहे कहते हैं कहीं भी किसी के साथ हों, कहीं पर भी, ये तो हमारा चलता रहेगा। और ऐ जपा जब भी इसी में आ जाता है कि जब हम किसी एक अपने पसंदीदा इष्ट का जाप करते हैं, कोई भी एक जाप पकड़ते हैं, तो उसका जाप करना ही लगातार, जब हम किसी से बात नहीं कर रहे, लिख नहीं रहे, पढ़ नहीं रहे, बोल नहीं रहे, तो एक जाप को जब हम लगातार करते हैं, तो वो एक दिन ऐसा आता, मेडिकल साइंस भी यही बोलती, कि वो हमारे अंदर बस जाता है मन मस्तिष्क में। कैसे मालूम पड़ता है, रात को भी नींद खुले चलता मिलेगा, दिन में टॉयलेट में बैठे तब भी नहीं रुकेगा, तो समझ लीजिए बस गया। फिर आपको अभ्यास करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, स्टार्टिंग में तो आपको 5-6 मिनट बुदबुदाना तो पड़ेगा ही। मानसिक जप करने में स्त्रियों को भी बाधा नहीं है, ध्यान रखिए शास्त्र इस चीज़ की आज्ञा देते हैं। पाठ पूजा में बाधा होती है उन दिनों में। इसके अलावा एक और भी चीज़ मैं कहना चाहता हूँ, भक्ति का अर्थ मैंने पहले ही बताया ना, शास्त्र क्या बोलते हैं कि ज्ञान चर्चा अनन्य भक्ति में चलते हैं, जब
भक्ति ज्ञान चर्चा करना, केवल उसी में टाइम लगाए रखना, लोगों को समझाए रखना और कई तरह के जितने भी है, या हम एक और भी करते हैं कि भक्ति करते समझते कि हम दौड़ दौड़ के कोई कहीं ना कहीं तीर्थ स्थान पर जा रहा, जाना बुरी बात नहीं, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कोर ये भक्ति तीर्थ स्थान पर भी जाएंगे तो वहाँ पर भी क्या कहते हैं विद्वान जन जितने भी होते हैं वो भी आपको ये समझाते हैं कि भाई भगवान की भक्ति करो, जप करो, हमारे पास आते हो अच्छी बात है, भगवान के दर्शन करते हो, लेकिन अपना ये भी तो पढ़ाइए। लेकिन केवल यही मान लेना जी हम तो बस हर महीने जा रहे हैं जी, एक फिक्स कर लेते हैं हम, या इस जगह जो भी भगवान है उनके अपने वहाँ जाते हैं जी, हम तो जी बहुत अच्छा आनंद करते हैं, फिर एक महीने में जागरूकता करवा लेते हैं या कुछ भी करवा लेते हैं, पाठ अध्यात्म अजी सब कुछ करिए, लेकिन ये भक्ति में नहीं आता है, ये संसारिक एक बाह्य भक्ति से, इसको बाह्य भक्ति बोलते हैं, बाहरी भक्ति जिसमें दिखावा ज़्यादा होता है। भक्ति तो बस ठीक है जितनी नाम मात्र होती है। दूसरी जो भक्ति है उसके अंदर फिर दो पार्ट करिए, ये तो बाहरी भक्ति होगी। आंतरिक भक्ति में दो पार्ट, पहला पार्ट मैंने आपको पहले ही बताया कि उस पार्ट के अंदर आपको आप समाज का भी काम कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, अपनी भक्ति कर रहे हैं, परोपकार के भाव से कर रहे हैं और पूरा भगवान के प्रति भी लीन है, लेकिन किसी प्रकार का भी आपके मन में राग द्वेष या कोई भी चीज़ का ऐसा नहीं है कि मतलब कहते हैं ना लोभ वगैरह स्वार्थ ऐसा कुछ भी नहीं है। ये भी भक्ति बहुत अच्छी है, इसमें समाज में आप चल रहे हैं। लेकिन कई बार क्या होता है समाज भी आपको उस चीज़ के लिए प्रोत्साहित करते, नहीं आपसे ही हमें समझना है, आप ही हमें बताइए। तो जितना आपके पास ज्ञान है बता दीजिए, जितना आपको अच्छा लगता है शास्त्र बोलते बता दीजिए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन यदि आपको अनन्य भक्ति में जाना है तो मैं पुनः आपसे यही कहूँगा, शास्त्र ये बोलते हैं फिर इन सब चीज़ों से दूर रहना पड़ेगा। ठीक है, आपको अपने घर जीवन के कुछ कार्यक्रम बचे हुए हैं जिनको पूरा करना है, जैसे मैंने बताया ना केवल बच्चों की शादी रह जाती है या किसी की वो भी जाती है तो बाकी तो चलता रहेगा, अपना लग जाइए। आपको फिर समाज के कार्यों से, समाज के सुधार में, समाज के परोपकार में आपको गहरी रुचि नहीं लेनी है, बस ठीक है कोई आपके जिम्मे कोई कर्तव्य आ गया तो उसमें बस ये कि ठीक है जो बहुत हल्का फुल्का उसे कर दीजिए, क्योंकि अनन्य भक्ति के अंदर इन सब चीज़ों का नहीं, उसमें तो भगवान के प्रति खोना पड़ता है, भगवान का होना पड़ता है, भगवान के प्रति बनना पड़ता है, भगवान फिर अपने आप अपने बन जाते हैं। मैंने अभी तक यही समझा है, यही है अभी तक सारी चीज़ मेरे समझ में, शास्त्रों को पढ़ते हुए श्रीमद् भागवत महापुराण में तो बहुत स्पष्ट कई जगह दे रखा है। तो इसीलिए आशा करता हूँ कि आप इस बात को बहुत अच्छे ढंग से लेकर, सरलता से लेकर चलें, इसमें किंतु परंतु अगर कुछ नहीं है, बाकी सब बातें गौण है। ओम नमो नारायण। आज भगवान ने ये कहलवाया है, मैं इसके लिए उनका कृतज्ञ हूँ और मैं खुद अब अनन्य भक्ति की तरफ चलना चाहता हूँ, प्रयास कर रहा हूँ। उनकी कृपा कब होगी, यहाँ पर फिर से बात ये आती है कि अब उनकी कृपा, लेकिन प्रयास हमें करना पड़ेगा। नमो नारायण। नारायण।